बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको शबे कदर बहुत मुबारक हो। और मैं शबे कदर में ठकुंटे बनाने जा रही हूँ। इसको मीठे टिकिया भी कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका ठकुंटे होता है। तो ठकुंटे के लिए मुझे चाहिए होगा 2 कप मेरे पास मैदा है, 1 कप सूजी है, 1.5 कप चीनी है, पाउडर शुगर है ये, 1/4 कप ऑयल है, घी भी यूज़ कर सकते हैं आप। दूध है मेरे पास मिल्क पैक का 250 ml, और पानी चाहिए होगा मुझे इसे गूंदने के लिए। अब हम इसको गूंद लेते हैं। मैं इसके अंदर डालूंगी सूजी, चीनी, और ये ऑयल। हम इसकी सख्त आटा गूंदेंगे, नरम नहीं गूंदना, सख्त आटा गूंदना है आपने। मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको गूंद लिया है, सख्त आटा गूंदा है इसका। पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और दूध स्टार्ट में आप थोड़ा कम डालिएगा, मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिया था तो उसकी वजह से मेरा आटा पतला हो गया। तो मैंने और इसके अंदर डाल के मैदा और सूजी इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसके ठुकुंटे बनाते हैं। हम एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे अच्छे से। इसको हम मोटी रोटी बेलेंगे, इसकी पतली नहीं बेलनी, इसको मोटा मोटा बेलेंगे। देखें, इतनी मोटी रोटी मैंने बेली है। अब ये मेरे पास डिफरेंट शेप के कटर्स हैं, इन शेप के मैं ये काट लूँगी। इसको मैदे में अच्छे से डिप करके काट लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये सारे कट जाएंगे। इसी तरह से सारे कटर काट के मैं आपको दिखाती हूँ। अब सारे काट लेती हूँ मैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ये गर्म भी हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करते हैं, हम टुकुंटों को। हम इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, जब तेल गर्म हो तब आप डालें।
लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें मैंने सारे डाल दिए और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें सारे फ्राई करके मैंने बाहर निकाल लिए, अब मैं इसी तरह से बाकी की भी फ्राई कर लूँगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें खाने का फाइनल लुक, और कुंटे बनके तैयार हो चुके हैं। डिफरेंट शेप के बनाए हैं, कुछ डायमंड के भी आपको दिख रहे होंगे शेप के, वो मेरी मामा ने काटे थे। और इफ्तारी में यहाँ कढ़ी बनी है, कढ़ी चावल, और कढ़ी की रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।